नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले 3 दिनों से औरंगाबाद में हाथी के एक झुंड ने किसानों एवं ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। हाथी के इस झुंड में कुल 11 हाथी हैं। मंगलवार को हाथी का झुंड मदनपुर से होते हुए औरंगाबाद शहर के अमर बिघा के बिल्कुल पास पहुंच गया, जिससे आसपास के किसान काफी दहशत में हैं। 3 दिनों से हाथी के झुंड ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया और सभी लोग घायल होकर इलाजरत हैं। घायलों में बनोखर गांव निवासी प्रेमन भुइयां, बल्हाबार निवासी डोमन भुइयां एवं चांद बिघा निवासी रजन भुइयां शामिल है। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड गया के जंगलों से भटककर जंगल के रास्ते होते हुए 2 दिन पूर्व मदनपुर पहुंचा और किसानों के खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड सबसे पहले मदनपुर के पिछुलिया गांव पहुंचा और किसानों की फसलों को बर्बाद किया। किसानों ने हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन झुंड के हाथियों ने सभी को खदेड़ दिया। हाथियों की आक्रामकता को देख किसान दहशत में आ गए। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। विभाग की टीम ने हाथियों को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। हाथियों का झुंड पिछुलिया को पार करते हुए खेतों के रास्ते मदनपुर के ही कानीडी पहुंचा और यहां भी खेत के फसलों को नुकसान पहुंचाया। तीसरे दिन मंगलवार को हाथी औरंगाबाद शहर के अमर बिघा गाँव पहुँचा। औरंगाबाद के DFO तेजस जायसवाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों से हाथी का एक समूह गया के जंगलों से भटककर औरंगाबाद आ गया है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए विभाग की टीम लगी हुई है और उन्हें जंगल के रास्ते ही भगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि रात्रि के समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे मशाल जलाकर रखें, ताकि हाथी का झुंड खेत से होकर गांव में प्रवेश ना कर सके। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि कभी भी शौच के लिए अकेले अंधेरे में ना निकले, ताकि हाथी क्षति ना पहुँचा सके। DFO ने बताया कि हाथियों के द्वारा फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कितने दिन से आया हुआ है? कल आया है। क्या कल से आप लोग घर में दुब के हुए? डर से निकलने रहे हैं हाथी देख के। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं इसे देख के। फार्म पर घर हुआ, हम लोग घर के नजदीक में जो है कि हाथी पूरा एक झुंड आए हुए हैं और हम लोग बहुत डरे हुए हैं और इसके चलते जो है कि लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हाथी को साइड किया जाए और बहुत फसलों का नुकसान है, हो सकता है कि ग्रामीणों का भी नुकसान हो। कब से हाथी उतरा है क्षेत्र में? हाथी तो मॉर्निंग में लमसम 3-4 बजे आ चुका है और हम लोग भोर में सब उठे तो देखे कि हाथी 10-12 को आया हुआ है। बहुत डर मनो लग रहा है। बच्चा लोग के जितना भी हम लोग सबके सुरक्षित रखे हैं, स्कूल स्कूल में भी नहीं भेजे हैं। बहुत डर अंदर से लग रहा है, आप देख सकते हैं आवाज़ से ही। अच्छा, तो सुरक्षा भी तो आप लोग को मिली है? सुरक्षा हाँ, जिला अभी प्रशासन लोग आए हुए हैं। किसी को खतरा? खतरा तो अभी नहीं मनो, 2-4 लोग वहाँ पे गया था पास में देखने तो उसको खदेरा है, तो उन लोग का सबके मना कर दिया गया है कि अब नहीं जाइए पास में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास कुमार चंद्रवंशी नाम हुआ। 3 दिन से औरंगाबाद में हाथियों का जमावड़ा लगा हुआ है, और एक कहां से आए हैं सर हाथी? लगभग हाथी झारखंड से आए हैं, गया के रास्ते औरंगाबाद में। इसके लिए सर वन विभाग की तरफ से क्या टीम चलाया जा रहा है, क्या इन लोग को दिया जा रहा है? वन विभाग 24x7 मॉनिटरिंग कर रही है। उसके अलावा हम लोग एक विशेष टीम का भी गठन किए हैं, जिसमें कि एक लगातार देखती रहेगी कि हाथी का मूवमेंट कैसा है। हाथी को गांव के पास नहीं जाने देगी और हाथी को वापस उसी रास्ते में जंगल भेज देगी। सर, इन्हीं हाथियों से बहुत सारे लोगों का फसल भी बर्बाद हुआ है, इस पर क्या किया जाएगा सर? कुछ फसल उसका नियम है, जो भी इनका फसल बर्बाद हुआ है उसका जांच करके नियमानुसार अगर कुछ भी मुआवजा या वैसा प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।